ये वास्तव में बच्चों है वेंडी ग्राफ जनरेटर। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हमारे यहाँ के इलेक्ट्रोस्टेट्स को समझाने में अच्छा काम करेगा। जरा देखिए इसमें अगर हम यहाँ नीचे स्टार्ट करें क्या क्या है। इधर तो हमारे सप्लाई आ रही है एसी, मालूम अपने घर में सप्लाई क्या आती है एसी। एसी को मैंने दिया रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर क्या करेगा एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। अब इसको चालू बाद में करेंगे क्योंकि अभी हाथ धो रखना है बाद में चालू करने के बाद। जैसे ही चालू करेंगे ये रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा तो हमारे जो डीसी वोल्टेज आएगा तो इसके अंदर नहीं अंदर हल्का सा बताता हूँ आपको। ये जो बेल्ट दिख रहा है इसके नीचे जाके बेल्ट दो कॉम जिनके दांत काफी तीखे हैं उनसे जुड़ा हुआ है और वो दो जो दांत के मेटल के हैं कॉम वो जुड़े हुए हैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल से और इसका नेगेटिव टर्मिनल हमने जोड़ रखा है एक मेटल बॉब से। अब जैसे ही मैं इसको रेक्टिफायर के हिसाब से सप्लाई देता हूं एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ध्यान सुनना स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस चलेंगे, वो जो वोल्टेज डेवलप हुआ उसने वहां पर जो काफी तीखे उसके दांत हैं कॉम के मेटल के उनको चार्ज देता है। चार्ज देने से उनके पास की जो एयर है उसका हो जाता है आयनेशन, उससे आयनेशन होने से वहां पे बनते हैं पॉजिटिव आयन, इस पर भी पॉजिटिव आयन भी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव आयन को रिपेल करता है, वो पॉजिटिव आयन इस जो बेल्ट दिख रहा है जो कि मोटर चलाया जाएगा ये इससे ऊपर बेल्ट के द्वारा पहुंचाया जाता है और जैसे ही पहुंचाते हैं ये हमारा पॉजिटिव आयन है और ये हमारा एक डोम मेटल डोम जो शुरू में न्यूट्रल होता है। ये पॉजिटिव आयन ये मेटल डोम न्यूट्रल इसको इंडक्शन से चार्ज करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पॉजिटिव आयन के चार्ज को डिस्चार्ज करते हैं लेकिन इस पे इलेक्ट्रॉन निकलने से धीरे धीरे चार्ज पॉजिटिव नेचर का एक्यूमुलेट होता जाता है तो इसका काम है पॉजिटिव चार्ज को एक्यूमुलेट करने का। ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता जा रहा है और मुझे अगर ये मालूम करना है सपोज ये है यहाँ गोल्ड के लिए नहीं है इसे ध्यान से देखो क्योंकि वो फिर रिस्क हो जाएगी थोड़ी इसलिए सिंपल खर्चा कम हो। ये एल्युमिनियम की लीव है, ये दो लीव लटक रही है यहाँ पर, ये मेटल का वायर है। ध्यान करिए अगर मैं इसको यहाँ पे कोई भी चार्ज कंडक्शन से दूँ या कोई चार्ज इंडक्शन से दूँ ये चार्ज जाएगा और लीव को सेम चार्ज मिलने से लीव रिपल्शन लाइक नेचर से क्या होगा रिपल्शन दूर हो जाएगी। इसको भी करेंगे लेकिन हम समझ गए कि इसको हम जब यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव हल्का सा भी इंडक्शन से भी चार्ज कर देगा तो आप देखना खटाक से ये दूर हो जाएगी और बाद में इसको समझेंगे इस पे चार्ज क्या है इस पे चार्ज क्या है उस समय आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूं। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं ध्यान से देखना, वापस बोल रहा हूं यहां इसका पॉजिटिव डेवलप हो रहा है और इस टर्मिनल को मैंने इसके नेगेटिव जोड़ रखा है यानी यूं कह सकता हूं इस पे जो भी चार्ज आएगा अभी हाथ लगा रहा हूं बाद में लगाऊंगा जब चालू कर दूंगा ये आपके लिए यहां से नेगेटिव के हिसाब से नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। वापस बोल रहा हूँ इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज ये इसके कनेक्ट नेगेटिव से है तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखना बाद में क्वेश्चन का जवाब देना तो उसमें मजा आएगा। देख रहे बेल्ट मोटर चलाया जा रहा है जो भी पॉजिटिव आयन है वो ऊपर जा रहे हैं अब इसका हाथ नहीं लगा सकता और इसको इंडक्शन के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं इससे इलेक्ट्रॉन निकल के उस पॉजिटिव आयन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और यहाँ पे धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है। अब अगर मैं ये देखो दूर हो गई कितनी दूर हो रही है आराम से ये तो आपका हो गया गोल्ड लीफ की जगह यानी एल्यूमिनियम की तो उनके बीच सेपरेशन बढ़ रहा है। अब एक अ
अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके, अगर आपने सामने सुना था, ये यहाँ पर एक मेटल का स्फीयर है और ये मेटल का डोम है। बच्चों कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जवाब देना, ये मेटल का डोम है, ये मेटल का स्फीयर है। हिंट आपको पहले दे रहा हूँ, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज और ये इसके नेगेटिव से कनेक्ट, इस पर नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं इसके पास लाता हूँ, ये एक स्पार्क हुआ। आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना, इस स्पार्क में चार्ज कहाँ से कहाँ गया? क्या डोम से, मेटल डोम से स्फीयर पे गया जो कि मेटल का है, या मेटल स्फीयर से डोम पे गया? अगर हम कहते हैं कि मेटल डोम से स्फीयर पे गया तो उसको आप ए मान लो, और अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में अगर डोम की जगह बॉल से, स्फेरिकल बॉल से डोम पे गया तो उसको बी मान लो। कमेंट बॉक्स में लिखो आपका आंसर क्या ए या बी। कमेंट बॉक्स क्यों नहीं दिख रहा? कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आंसर दिखाएं। हाँ लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, ए बहुत लिख रहे हैं, ए बहुत लिख रहे हैं। मैंने कहा था अगर डोम से बॉल पे गया तो आंसर ए, और अगर बॉप से डोम पे गया, स्फीयर से डोम पे गया तो आंसर बी। जिन्होंने आंसर बी लिखा है वो सही हैं, क्योंकि आपको मालूम है कभी भी चार्ज अगर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगा, तो ये आपका जो बॉब है, मेटल स्फीयर है, इस पे नेगेटिव चार्ज था, और जो डोम है इस पे था पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये जाएगा कहाँ से, बॉल से डोम पर। तो आंसर बी सही है, आंसर बी सही है। इसको ये रखो, मुझे अब जाके दिख रहा है इसमें कमेंट बच्चों कैसा लग रहा है। तो बच्चों ये यहां पे दो तीन बातें हो गई कि लाइक नेचर में रिपल्शन होता है जब आप इसको लेके। अच्छा एक चीज और देखें अपन, एक क्वेश्चन और बताना। अब ये क्वेश्चन सोचो, ये जो छोटी छोटी सी बॉल है ये ऊपर धीरे धीरे आ रही है, टाइम के साथ देखते जाओ, क्योंकि इस पर लगातार चार्ज, सिंपल लाइक नेचर का रिपल्शन। तो अपन पढ़ाई करते हैं कितनी आसान, लेकिन जब उसको तैयार करते हैं सेटअप में, एपरेटस में, तो क्या क्या बातें होती हैं। इसमें आपका एक कंसेप्ट भी आ गया जो मैंने शुरू में कहा था, अगर आपको ध्यान हो कि जो नीचे इसमें कॉम शेप के अंदर जहाँ पे वो काफ़ी तीखे हैं, उन शेप में जो लगे हुए हैं मेटल के कॉम, जैसे ही उनको मिलता पॉजिटिव चार्ज तो जो तीखा शेप है वहीं पे जो एयर है वो एयर आयनाइज हो जाती है, और वहीं से वो चार्ज जो है वो बेल्ट को मिलता है पॉजिटिव आयन के रूप में। मालूम इसे क्या बोलते हैं? कॉर्नर डिस्चार्ज। अगर आ रहा याद तो बोलिए कमेंट बॉक्स में, आया याद कॉर्नर डिस्चार्ज? कॉर्नर डिस्चार्ज कब कहाँ होता है? जो भी कंडक्टर है उसके शार्प एंड पर सबसे पहले वहाँ के पास की एयर को आयनाइज करेगा, और आयनाइज करने पर सबसे पहले वहीं पे चार्ज का लेके चलो, जिसे हम कहते हैं कॉर्नर डिस्चार्ज।